पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मैनाठेर थाना क्षेत्र के महमूदपुर माफी गांव के प्रधान के देवर अतीक अहमद की हत्या उसके ही दोस्त ट्रांसपोर्टर वाहिद ने 1,00,000 रुपए की सुपारी देकर कराई थी। पुलिस का दावा है कि हत्या के पीछे वाहिद की पत्नी और अतीक अहमद के बीच अवैध संबंध रहे हैं। पुलिस ने वाहिद और भाड़े के हत्यारों को गिरफ्तार कर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। एसपी देहात उदयशंकर सिंह ने बुधवार को हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि महमूदपुर माफी प्रधान नसीम जहां के देवर और सीमेंट कारोबारी अतीक अहमद की हत्या कर दी गई थी। चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। पुलिस ने अतीक अहमद के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई जिसमें उसके दोस्त वाहिद द्वारा अंतिम कॉल की गई थी। इसके बाद पुलिस ने उसके दोस्त वाहिद निवासी ग्राम महमूदपुर माफी थाना मैनाठेर को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की गई तो उसने कबूला कि उसकी पत्नी और अतीक अहमद के बीच संबंध थे। उससे इसकी जानकारी हो गई। उसने अतीक को ठिकाने लगाने की ठान ली। उसने शाकिब अनस और इस्माइल निवासी कस्बा सैननगली जिला अमरोहा को 1,00,000 रुपए की सुपारी दी। पुलिस ने शाकिब और इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। चौथा साथी अनस फरार हो गया। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर आला कत्ल, 2 चाकू और 1 गमछा और घटना में इस्तेमाल की गई 2 कार बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 29 दिसंबर की रात अतीक अहमद को घर से मोबाइल पर कॉल कर जिगरी दोस्त वाहिद ने बहाने से बुलाया था और पहले से 1,00,000 की सुपारी देकर बुलाए गए भाड़े के हत्यारे के साथ मिलकर अतीक अहमद की हत्या कर दी गई। अतीक और वाहिद की पत्नी से निकटता बढ़ रही थी, वहीं आपस में रुपये का लेन देन ज्यादा हो गया जिसके चलते ही सुपारी देकर गला रेंतने के बाद शरीर को चाकुओं से गोद कर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तीनों हत्या आरोपियों को पहले कोर्ट में पेश किया, उसी के बाद अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस चौथे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 29 तारीख की रात्र में ग्राम महमूदपुर माफी में हाजी अतीक अहमद नामक एक व्यक्ति की जघन्य हत्या कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया है। इसमें मृतक के साथ ही वाहिद नाम के व्यक्ति का हाथ होना पाया गया है। वाहिद ने 3 अन्य अभियुक्तों को इसमें 1,00,000 रुपए की सुपारी देकर यह हत्या कराई है और वह हत्या की घटना में स्वयं शामिल रहा है। सैद नगली जनपद अमरोहा के अन्य 3 अभियुक्त रहने वाले हैं जिसमें से अब तक इस घटना में शामिल 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 1 अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। सर पूरा मुकदमा दर्ज है, कारण क्या था सर इसका, पूरी घटना की क्यों हत्या की गई? हत्या का कारण अभियुक्त वाहिद की पत्नी से मृतक के मधुर संबंध व कुछ पैसों का लेन देन बताया जा रहा है।